इतनी तेजी से और इतनी जल्दी बालों को लंबा और घना कर देता है ये चीज, देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक नए और बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, हर महिला चाहती है कि उसके बाल लंबे और खूबसूरत हो, लेकिन हर किसी का सपना सच नहीं हो पाता। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं एक प्राकृतिक उपाय, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे नेचुरल चीजें जो आपको आपके घर पर ही मिल जाएंगे और बालों को तेजी से लंबा और घना करने में ये चीजें मदद करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कोई दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको कोई अलग शैम्पू या फिर किसी केमिकल युक्त प्रोडक्ट का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, बालों को सिर का ताज कहा जाता है। बालों पर तो बाला, उजड़ा चमन और गौन कह जैसी कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इससे यह बात तो साफ है कि बाल के विषय को लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं। आए दिन लोग तरह तरह के बाल लंबे करने के तरीके आजमाते हैं। हेयर जल्दी बढ़ाने के तरीके में लोग कई तरह के हेयर प्रोडक्ट का भी उपयोग करते हैं, लेकिन बाल लंबा करने के तरीके आजमाते वक्त जाने अनजाने में कुछ गलतियों से बालों को नुकसान होता है। लेकिन अगर आप इन चीजों को केवल पोत लेती हैं, तो भी आपके बाल तेजी से लंबे और घने होने लगेंगे और बालों को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0% केमिकल होता है। मतलब ये केमिकल फ्री है और आपके बालों को तेजी से लंबा और घना करने में भी मदद करेगा। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर 1, दोस्तों, बालों की थोड़ी ट्रिमिंग कर आप इसे भरा पूरा लुक दे सकते हैं। यह ड्राई एंड स्प्लिट एंड भी बचने में आपकी मदद कर सकता है। इससे आपके बाल हेल्दी भी दिखते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि बालों को काटने से इनकी हेयर ग्रोथ में बढ़ावा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अपने बालों के छोर को आप थोड़ा बहुत काट सकते हैं। इससे आपके दो मुहे बालों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और बालों में ग्रोथ भी नजर आने लगेगी। नंबर 2, दोस्तों, इस तरीके के लिए आप 2 अंडे लेकर इसके अंदर का पीला हिस्सा और सफेद हिस्सा निकाल लें। अब साथ में 2 चम्मच दही में इसे आधे घंटे के लिए मिलाकर छोड़ दें। दोस्तों, अब इसे बालों में अच्छी तरह से लगा लें। आधे घंटे के बाद अपने बालों में शैम्पू कर लें। इससे बाल लंबे घने तो होंगे ही, साथ ही साथ मजबूत भी होंगे। नंबर 3, दोस्तों, गर्म पानी आपके बालों से प्राकृतिक तेलों को दूर कर देता है, खास तौर पर जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो। इस तरह से आपके बाल ड्राई होने के साथ साथ टूटने भी लगते हैं। आपका स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है, जिससे स्कैल्प में खुजली होने लगती है और डैंड्रफ भी हो सकता है। दोस्तों, गर्म पानी आपके बालों को जड़ से कमजोर कर देता है और परिणाम स्वरूप आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं। इसके साथ ही बालों की बनावट भी खराब हो जाती है। नंबर 4, जी हाँ दोस्तों, संतरे का रस और सेब का गूदा मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे और काले होते हैं। इस तरह का मिश्रण आप सप्ताह में 2 बार बालों में लगा सकती हैं। इस मिश्रण को बालों में लगाने के बाद सूखने दें। इससे आपके बालों में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा और फिर बालों को अच्छे से धुल लें। नंबर 5, दोस्तों, अमूमन अधिकतर लोग अपने बालों को सुखाने के लिए तौलिए में बालों को लपेट कर उसे रगड़ते हैं, जबकि सच तो यह है कि जब आप गीले बाल रगड़ते हैं आपस में तो बाल डैमेज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय यदि आप अपने बालों को तौलिए से रगड़ कर सुखाने की कोशिश करेंगे तो इससे लॉन्ग टर्म डैमेज होने की आशंका रहती है और बाल भी बेतहाशा गिरने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा बाल रगड़ने से फ्रिजी हो जाते हैं, जिससे आपके बाल टूटने लगते हैं। इसलिए बालों को प्राकृतिक तौर से ही सूखने दें।